हे एवरीबॉडी, दिस इज ब्रजेश हियर और आप देख रहे हैं CABN फॉर वेंट्रे। तो दोस्तों, आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे थे अबाउट सेक्शन 194Q, उसके बारे में मैंने सॉल्यूशंस आपसे शेयर किए अपने पिछले वीडियो में। अब आपके और कुछ क्वेश्चंस अबाउट सेक्शन 194Q के सॉल्यूशंस में शेयर करूंगा इस वीडियो में आपके साथ। ऐसे और बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे इस प्रोविजन के बारे में। दोस्तों, घबराइए नहीं, मैं आपके इन सवालों का सॉल्यूशन दूंगा और इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर उसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आप पूछेंगे कि अगर गुड्स हमने परचेस की हैं फ्रॉम ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, 194Q और 194O। व्हेन गुड्स आर परचेस बाय ए कस्टमर फ्रॉम एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, वुड सेक्शन 194Q अप्लाई और 194O। फ्रेंड्स, सेक्शन 194O वॉज इंट्रोड्यूस्ड रिक्वायरिंग डिडक्शन ऑफ टैक्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। So far as the condition of section 194O are satisfied, then tax should be deducted by the e-commerce operator under section 194O because section 194Q is specifically exempt transactions that are subject to withholding tax under any other provisions of the Act. And section 194O starts with a non-obstantive clause and therefore overrides section 194Q. अब आप पूछेंगे कि सर, क्या TDS डिडक्ट करना जरूरी होगा अगर मैं परचेस करता हूं ज्वेलरी विच इज नॉट कनेक्टेड विद माई बिजनेस, दैट इज फॉर माई पर्सनल यूज, वेदर TDS is liable to be deducted on purchase of jewelry not connected with the business. My dear friends, there is no condition that purchase should be connected with the business only. Thus, if a person is falling within the definition of buyer, tax is required to be deducted even if such purchase is not connected with the business carried on by him. Jewelry, being a movable property, is covered within the term goods. There is no specific exclusion under section 194Q for deduction of TDS on purchase of jewelry. Thus, the tax shall be deductible on purchase of jewelry other conditions are also fulfilled. However, there might be practical difficulties in deducting the TDS by the purchaser, as the purchaser might argue that the jewelry is being purchased for personal use and not for business use. To avoid the genuine difficulty and confusion, necessary clarification from CBDT shall be the most welcome step. अब आप एक क्वेश्चन करेंगे कि अगर बायर ने एक फाइनेंशियल ईयर में गुड्स 45 लाख रुपए की परचेस करी फ्रॉम द सेलर, उससे पहले साल में उसने 40 लाख रुपए की गुड्स परचेस करी हैं और फिर वो सेलर 60 लाख रुपए रिसीव करता है इन दोनों परचेजेस के लिए फ्रॉम बायर, तो इस केस में क्या TDS डिडक्ट किया जाएगा
या TCS कलेक्ट किया जाएगा, ये मानते हुए कि सेक्शन 194Q और सेक्शन 206C1H की दूसरी सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं या कंप्लाई हो रही हैं। इफ द बायर हैज परचेज गुड्स फ्रॉम सेलर वर्थ ₹45 lakhs इन वन फाइनेंशियल ईयर एंड ₹40 lakhs इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द सेलर हैज रिसीव्ड ₹60 lakhs विद रेस्पेक्ट टू द टू परचेजेस मेड बाय द बायर, वेदर TDS हैज टू बी डिडक्टेड और TCS हैज टू बी कलेक्टेड अज्यूमिंग अदर कंडीशंस ऑफ सेक्शन 194Q एंड सेक्शन 206C1H आर सेटिस्फाइड। माय डियर फ्रेंड्स, सिंस बायर हैज नॉट क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹50 lakh, हाउएवर सेलर हैज रिसीव्ड अमाउंट एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹50 lakh, हेंस सेलर हैज टू कलेक्ट टैक्स इफ ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 206C1H आर सेटिस्फाइड इन दिस केस। अब आप पूछेंगे कि क्या एडिशनल एलाइड एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट बनेंगे या नहीं, वेदर दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ द परचेज वैल्यू ऑफ द गुड्स, वेदर एडिशनल एलाइड एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस फॉर्म पार्ट ऑफ द परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्यूरेटली डिटरमिन द परचेज वैल्यू एज इट इज रेलिवेंट बोथ फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन एंड अमाउंट फ्रॉम विच टैक्स शुड बी डिडक्टेड। वेयर दीज एक्सपेंसेस हैव बीन रिफ्लेक्टेड इन द परचेज इनवॉइस इटसेल्फ, इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द परचेज वैल्यू। हाउएवर मोर क्लैरिटी फ्रॉम CBDT इज अवेटेड इन दिस रिगार्ड। अब आप पूछेंगे ये जो ₹50 lakh की लिमिट आपने बताई है वो किस डेट से कंप्यूट की जाएगी, वेदर फ्रॉम 1st April 2021 और फ्रॉम 1st of July 2021। फ्रॉम विच डेट द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹50 lakh विल बी कंप्यूटेड। सिमिलर कंफ्यूजन अरोज व्हेन सेक्शन 206C1H was introduced by Finance Act 2020 with effect from 1st of October 2020, in respect of which CBDT by circular number 17 dated 29 September 2020 clarified that since threshold of ₹50 lakh is with respect to previous year calculation of sale consideration for triggering TCS under this provision shall be computed from 1st of April 2020. Hence, if a seller has already received ₹50 lakh or more up to 30th September 2020 from a buyer, TCS under this provision shall apply all receipts of sale consideration on or after 1st of October 2020. Applying this principle as clarified by CBDT for TCS, it can be concluded that threshold of ₹50 lakhs shall be computed from 1st of April 2021. Thus, if a buyer has already purchased goods of value of ₹50 lakh or more up to 30th June 2021 from a seller, TDS under this provision shall apply on all purchases on or after 1st July 2021. दोस्तों, अब आपके मन में आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 194Q का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर किया।
इसी तरह के और क्वेश्चन जो 194Q के बारे में आपके मन में आ रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CABA इंफोमेंट्री पर। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सकें और हम और आप मिल सकें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बाय बाय।